नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की मशहूर अदाकारा रेखा, जिनकी गिनती सदाबहार अभिनेत्री के रूप में होती है, हालांकि अब वह फिल्मों से दूर रहती हैं, लेकिन उनका क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। रेखा ने अपने जीवन में एक से एक बड़ी से बड़ी हिट से हिट फिल्में दी हैं, और जब वह अपने करियर की पिक पर थी तो उन्होंने 1990 में दिल्ली के एक मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद उनका आपसी जो संबंध है वो ठीक ठीक नहीं चल रहा था, और इस तरह की बातें सामने आती थीं कि उनके पति मुकेश अग्रवाल रेखा से तलाक लेना चाहते थे और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। अब उनकी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उनके पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री अवाक रह गई थी, और उनके पति मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनका जो भी संपत्ति है उसमें रेखा को एक पैसे भी हक ना दिया जाए, क्योंकि वह खुद कमाने में सक्षम है और वह खुद कमा सकती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों की शादी के बाद दोनों के विचार अलग अलग थे, इसलिए दोनों में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। उस दौरान यह मामला मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रही थी, और जब मामला सुर्खियों में रही तो इसको लेकर जांच भी कराई गई थी, लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। लेकिन मुकेश अग्रवाल के परिवार वाले या फिर समाज के लोग या बाकी लोग कहें, वह सब रेखा को ही दोषी ठहराते थे। हालांकि रेखा का और भी कई सेलिब्रिटीज़ के साथ अफेयर रहा, लेकिन किसी के साथ हुआ टिक नहीं पाया। एक समय विनोद मेहरा को लेकर भी उनके काफ़ी करीबी नज़दीकियाँ देखने को मिली, और ऐसा भी कहा जाता था कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। और ऐसा भी कहा गया कि विनोद मेहरा की जो माँ थी वो रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इस वजह से विनोद मेहरा ने भी रेखा से दूरी बना ली। फिर रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे, तो उन्होंने भी धीरे धीरे रेखा से किनारा कर लिया। इस तरह से और भी कई सेलिब्रिटीज लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन वह हर बार अकेले ही रह गए। उसके बाद से उन्होंने फिर विवाह नहीं किया। आज भी वह अविवाहित हैं, लेकिन उनके मांग में सिंदूर देखा जा सकता है। आज भी वह वन सवर कर निकलती हैं और मांग में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, रेखा का पति मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड क्यों किया था, सुसाइड थी या हत्या था, यह आज तक पता नहीं चल पाया। वह राज आज भी राज है, या फिर वह राज सिर्फ रेखा को ही पता होगा। धन्यवाद।